हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूँ। ये बुक जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये लूशेंट का बुक है दोस्तों। बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो सबसे बेस्ट बुक जो है पढ़ने के लिए जीएस के लिए वो है लूशेंट। लूशेंट को कवर करना बहुत ही कंपल्सरी था मेरे लिए भी, और आपके लिए भी बहुत कंपल्सरी है कि आप इसको देखें, कवर करें, इसको अच्छे से याद होना चाहिए आपको। रिलीजियस मूवमेंट हमने जो छठी शताब्दी से लेकर चौथी शताब्दी के बीसी के बीच में वो देखी थी, उसमें हमने बुद्धिज़्म देख लिया है। ठीक है, बुद्धिज़्म को ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग जैनिज़्म को कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले के वीडियोस भी ऑलरेडी अपलोडेड हैं, दो सब्जेक्ट ऑलरेडी चल रहा है। लूशेंट की बात करें तो हिस्ट्री मैं खुद कवर कर रहा हूँ, और ज्योग्राफी जो है वो रोहित सर कवर कर रहे हैं। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू कवर ऑल दीज वीडियोस। ठीक है, स्टार्टिंग से देखना। इस पर्टिकुलर वीडियो में जैनिज्म को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ डू इट, ताकि थोड़ा सा विजिबिलिटी बढ़े। ठीक है, जैनिज्म की बात करें तो जैन ट्रेडिशन के हिसाब से, ट्रेडिशन मतलब कल्चर ट्रेडिशन की बात की जा रही है, तो जैन ट्रेडिशन के हिसाब से 24 तीर्थंकराज हुए हैं। ठीक है, लिटरली अगर कहें तो फोर्ड मेकर अक्रॉस द स्ट्रीम ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, 24 तीर्थंकराज हुए हैं। सबसे पहले जो थे वो ऋषभ देव थे, या फिर उनका नाम आदिनाथ भी था, और लास्ट जो हुए 24वें, उसके बाद कोई नहीं हुआ, वो महावीर थे। तो महावीर जो थे तीर्थंकर, उन्होंने तो जैनिज़्म को फाउंड भी कर दिया। तो जैन ट्रेडिशन के हिसाब से 24 तीर्थंकर आपको याद रखने हैं। आखिरी कौन? महावीरा। पहले कौन? तो ऋषभदेव। ठीक है, विष्णु पुराण। अब देखिए, इन सब ट्रेडिशन को जानने के लिए, जैनिज़्म को जानने के लिए कुछ तो लिटरेरी सोर्स चाहिए। तो विष्णु पुराण में कहा गया है, एंड भगवत पुराण डिस्क्राइब करता है ऋषभ को, ऋषभदेव को। किसका इनकारनेशन? तो नारायण का। नारायण विष्णु को भी बोला जाता है। ठीक है, इनका इनकारनेशन बोला गया है किसमें? विष्णु पुराण या फिर भगवत पुराण में। द नेम ऑफ टू जैन तीर्थंकराज, दैट इज ऋषभ एंड अरिस्तनेमी, दे आर फाउंड इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में भी इनको मेंशन किया गया है। किसका किसका नाम है? तो ऋषभ देव का और अरिस्तनेमी का। तो ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, याद रखेंगे। ठीक है, कि ऋग्वेद में कौन से दो जैन तीर्थंकरा का नाम मेंशन किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा ऋषभ देव का और अरिस्टनेमी का। हिस्टोरिसिटी ऑफ अर्ली 22 तीर्थंकराज इज एम्बिगस, मतलब कि क्लियर नहीं है कुछ। आप उनके बारे में फैक्ट्स निकालना चाहो सो वो आपको किसी टेक्स्ट में इतना ज़्यादा मेंशन नहीं किया गया है। तो इनका जो हिस्ट्री है वो थोड़ा सा एम्बिगस है, इनके बारे में डिटेल में हमें पता नहीं है। सो वी हैव हिस्टोरिकल प्रूफ ऑफ ओनली लास्ट टू तीर्थंकराज, दैट इज पार्शनाथ और उनके सक्सेसर। पार्शनाथ जो थे 23वें तीर्थंकरा थे, और महावीर जो थे ये 24वें थे आखिरी। सो पार्शनाथ जो थे, ही वॉज ए प्रिंस ऑफ बनारस। ठीक है, बनारस के प्रिंस थे, हु अबैंडन्ड द थ्रोन एंड लेड द लाइफ ऑफ हर्मिट। ठीक है, देखो सब कुछ छोड़ छाड़ के हर्मिट की ज़िंदगी जी रहे थे, एंड ही डाइड एट समित शेखर, जो कि पार्शनाथ के नाम से, हिल के नाम से भी जाना जाता है। ये आज की डेट में झारखंड में है, गिरिडीह जिले में, झारखंड में है ये। कभी जाओगे, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा पहाड़ है, कभी जाओ तो। यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये। हिज फोर मेन टीचिंग्स, चार मेन टीचिंग इनकी क्या थी? चार मेन टीचिंग थी, जिसे हम चतुर्थी बोलते हैं, देवर अहिंसा, एवरीबडी शुड फॉलो अहिंसा, मतलब नॉन इंजरी, किसी को भी, पशु को भी, इंसान को, किसी के साथ अहिंसा नहीं करनी है। सत्य, ठीक है, सत्य दूसरा है इनका, नॉन लाइंग मतलब झूठ ना बोलो। अस्तेया मतलब नॉट, नॉन स्टीलिंग, तो अस्तेया का मतलब है नॉन स्टीलिंग। एंड फोर्थ वन इज अपरिग्रहा, दैट इज़ नॉन पोसेशन। ठीक है, महावीर ने
चारों को एडॉप्ट किया, बट इसमें एक और उन्होंने ऐड कर दिया पांचवा, दैट इज़ ब्रह्मचर्य और दैट इज़ चैस्टिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो चार के अलावा ये पूछा जाता है बार बार, मतलब मोस्ट ऑफ द पेपर्स मैंने देखा है उसमें ये पूछा जाता है कि आखिरी जो था वो किसने ऐड किया था, उसका नाम क्या है। तो ये ऐड किया था महावीर ने जो कि था ब्रह्मचर्य। 24 तीर्थंकरा जो हुए उनको सिंबल से सिंबलाइज किया गया है, ठीक है। वो सिंबल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्पेशली फर्स्ट एंड लास्ट और 23rd, तीन जो है वो तो आपको याद रखना ही रखना है। तो ऋषभ देव जो थे इनको बुल से सिंबलाइज किया गया है, बाकी अजीतनाथ को एलिफेंट से देख सकते हैं आप, संभरनाथ को हॉर्स से, अभियंदम को मंकी से, सुमतीनाथ को करल्यू से, पद्म प्रभु को रेड लोटस से, सुपरवनाथ को स्वास्तिक से, और चंद्रजी प्रभु को मून से, सुविधिनाथ को क्रोकोडाइल से, शीतलातनाथ को श्रीवास्तवा से, और सो ऑन। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, आप देख लेना इसको, ठीक है, बिकॉज इसमें आपको 23rd, 24th और फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सरपेंट से पार्शनाथ को, महावीर को लायन से, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट, और फर्स्ट वाला क्या था, लोटस, ठीक है, सॉरी बुल, ऋषभ देव को बुल से। चलिए आगे बढ़ेंगे, महावीरा के लाइफ के बारे में जानते हैं क्योंकि इन्होंने ही जैन को फाउंड किया था, तो इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं के मेन थे ये, इन्हीं के बेसिस पे, इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा जैनिज्म था, इनकी टीचिंग है ये। तो महावीरा की बात करें तो ही वॉज बॉर्न इन 540 BC, ठीक है। वहाँ पर हमने देखा था बुद्धिज़्म में कि बुद्धा का जन्म 563 BC में हुआ था और इनका जन्म जो है 540 BC में हुआ है, तो ये छोटे हैं, ठीक है, मतलब बाद में जन्म हुआ था। सो महावीरा का जन्म जो है 540 BC में विलेज कुंडग्राम जो कि वैशाली में पड़ता है, बिहार में हुआ था, ठीक है, फैक्ट है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। कुंडग्राम पूछा जाता है बार बार कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था, वैशाली में भी कुंडग्राम में। इनके फादर का नाम सिद्धार्था था, ही वॉज ए हेड ऑफ जांत्रिक क्षत्रिया क्लैन, ठीक है, फादर का नाम सिद्धार्था था, ही वॉज हेड ऑफ जांत्रिक क्षत्रिय क्लैन अंडर द बज्जी ऑफ वैशाली। बज्जी जो था ये एक रिपब्लिकन ग्रुप था, तो ये भी क्लैन जो था ये रिपब्लिकन सिस्टम पे काम करता था। इनकी मदर का नाम त्रिशला एंड सी वॉज द सिस्टर ऑफ चेटक, तो चेटक की सिस्टर होने की वजह से इनका संबंध जो है महावीर का बिंबिसार से जुड़ जाता है, ठीक है। बिंबिसार वॉज द रूलर ऑफ मगध हु हैड मैरिड चेलन्ना, ठीक है, चेलन्ना वॉज डॉटर ऑफ चेटक। तो देखो चेटक की बहन जो थी वो माँ थी महावीर की, और चेटक की बेटी जो थी वो बिंबिसार की वाइफ थी, तो संबंध हुआ ना दोनों का, बिंबिसार का और महावीर का। आप कमेंट करके बताना क्या संबंध हुआ। खैर, महावीरा वॉज मैरिड टू यशोदा इनकी वाइफ का नाम था, एंड दे हैड सी वॉज ए डॉटर ऑफ समरवीरा किंग की डॉटर थी, एंड प्रोड्यूस्ड ए डॉटर, एक इनकी बेटी थी जिसका नाम था अनुंज प्रियदर्शनी, ठीक है, इनकी बेटी का नाम था। इसके हस्बैंड का नाम था जमाली, और जमाली ही जो है वो फर्स्ट डिसाइपल बना था महावीरा का। तो संबंध हर जगह, उस समय भी आप कहो कि छोड़ो। चलिए, एट द एज ऑफ 30 आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही रिनाउंस्ड हिज फैमिली, पिता का देहांत हुआ, फैमिली छोड़ी, ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही बिकम एसेटिक एंड प्रोसीडेड इन सर्च ऑफ ट्रूथ, कि भैया सच्चाई क्या है। सो 30 साल के उम्र में छोड़ी इन्होंने, एंड ही वॉज एकम्पनीड बाई मखाली घोसला। मखाली घोसला कहते हैं, ही फाउंडेड आजीवक सेक्ट। देखो उस समय भी जो महापुरुष थे ना वो सब एक दूसरे को जानते थे। अब आजीवक संप्रदाय कोई छोटा मोटा संप्रदाय नहीं है, हालांकि इतना फेमस नहीं हुआ, बट काफ़ी नाम है इसका भी, ठीक है। मखाली घोसला इसके फाउंडर थे, और कहीं ना कहीं एकम्पनी किया था इन्होंने जब ये दोनों निकले थे। बट आज मखाली घोसला ने अपना जैनिज्म नहीं, अपना खुद का सेक्ट खोल लिया, आजीवक सेक्ट। सो 30 साल में निकले थे 12 साल के बाद, यानी कि एट द एज ऑफ 42। एक ट्री है साल ट्री,
उसके नीचे एट जम्भिक ग्रामा ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका। अब देखो, हमने बुद्धिज़्म में देखा था कि बुद्धा को प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे, ज्ञान की या फिर निर्वाण की प्राप्ति कह सकते हैं। महावीरा को कैवल्य की प्राप्ति हुई, जिसको हम कैवल्य का मतलब होता है सुप्रीम नॉलेज। ये भी पूछता है कैवल्य का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सुप्रीम नॉलेज। चीज़ें सब एक ही हैं, निर्वाण कह लो कैवल्य कह लो, एक ही बात है, लेकिन सुप्रीम नॉलेज इसको केवल मतलब टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। तो आप ऐसा नहीं होगा कि महावीर को निर्वाण की प्राप्ति, ये नहीं बोल सकते आप। महावीर को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी सुप्रीम नॉलेज की, कहाँ पे? रिजुपालिका नदी के किनारे जम्भिक ग्राम में। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ही वॉज कॉल्ड केवलीन, दैट इज परफेक्ट लर्न्ड। जीना और जितेंद्रिया, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, वन हु कंकर्ड हिज सेंसेस, इंद्रियों को जीत लिया, तो जीना भी या फिर जितेंद्रिया, सेम बात है। इसके अलावा निर्ग्रंथा भी बोला गया इनको, दैट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स, कोई भी बॉन्ड नहीं है इनके ऊपर। अरहंत बोला गया, ब्लेस्ड वन, एंड महावीरा बोला गया, दैट इज़ ब्रेव, एंड हिज फॉलोअर्स वेल नेम्ड जैन बोला गया इनके फॉलोअर को। सो ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन, कहाँ पर दिया? वहाँ पे देखा था हमने बुद्धा ने पहला सर्मन कहाँ पे दिया था, डियर पार्क सारनाथ में। यहाँ पे इन्होंने दिया पावा में, पावा जो कि बिहार में है। सो पावा में इन्होंने पहला सर्मन दिया टू हिज 11 डिसाइपल्स, वहाँ पे उनके 5 डिसाइपल थे, इनके 11 हैं, जिन्हें 11 गंधाराज बोला जाता है। सो लेटर ही फाउंडेड जैन संघा, दैट इज जैन कम्यून एट पावा। जैन संघ या फिर जैन कम्यून का फाउंड कहाँ किया था इन्होंने? तो पावा में किया था। और फाइनली 72 साल के एज में, ईयर के एज में, ही डाइड इन 468 BC एट द एज ऑफ 72। ही पास्ड अवे एट पावापुरी नियर बिहार शरीफ, बिहार में। सुधर्मा ओनली वन ऑफ द 11 गंधाराज हु सर्वाइव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा, बाकियों की पहले ही हो गई थी, ठीक है। तो 11 इनके जो डिसाइपल थे उसमें सुधर्मा जो थे इनके मृत्यु के बाद भी जिंदा थे, सर्वाइव कर रहे थे महावीरा के। अब हमने बात कर ली इनके लाइफ, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली, कैसे ज्ञान की प्राप्ति, क्या सब चीज़ें। अब देखते हैं डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म। सिद्धांत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिद्धांत ही है जो कि किसी भी धर्म को धर्म बना देता है और किसी धर्म को अधर्म बना देता है। तो डॉक्ट्रिन्स देखते हैं, डॉक्ट्रिन्स। इनकी डॉक्ट्रिन में त्रिरत्ना जो है, थ्री जेम्स ऑफ जैनिज्म जो है, वह है द एम ऑफ एग्जिस्टेंस इज टू अटेन थ्रू द त्रिरत्ना ऑफ, ठीक है, सम्यक श्रद्धा विश्वास, जिसे हम राइट फेथ कहते हैं। इट इज़ द बिलीफ इन तीर्थंकराज। आखिरी तीर्थंकर थे महावीरा खुद, और उनकी ये ज्ञान थी, जैनिज्म की ज्ञान थी कि इनमें विश्वास रखो, राइट फेथ रखो, सम्यक ज्ञान होना चाहिए आपके पास, राइट नॉलेज होना चाहिए। राइट नॉलेज से मतलब यह है कि इट इज़ द नॉलेज ऑफ द जैन क्रीड, ना कि अब राइट नॉलेज में कुछ भी नॉलेज। फिर आता है सम्यक कर्म या फिर राइट एक्शन या कंडक्ट। सम्यक कर्म या फिर आचरण की बात करें, जिसे हम राइट एक्शन या कंडक्ट कहते हैं, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ 5 बोज ऑफ जैनिज्म, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अस्तेय, सत्य, जो 5 बोज हैं वो जान लेते हैं क्या क्या है। सो 5 जो महाव्रत हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं 5 वोज ऑफ जैनिज्म, उसमें नंबर 1 पे आता है अहिंसा। मतलब आपको नॉन इंजरी, पशु हो कुछ भी हो, इवन इतना सख्त नियम था, अभी भी है जैनिज्म का, कि कई जैन तो ऐसे हैं कि रास्ता चलेंगे तो झाड़ू लगाते हुए चलते हैं कि भैया कोई छोटा मोटा कीड़ा ना मर जाए पैर से। खेती करना छोड़ दिया, इसलिए जैन जो है ना इतना ज़्यादा नहीं फैला, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, जहाँ पे खेती करने वाले लोग कैसे ज्वाइन करेगा भाई। अहिंसा बोला, हर चीज़ में जान है ये थोड़ी है। मतलब देखो, अच्छी बात है, जैनिज्म को मैं वो नहीं कर रहा हूँ, बट मतलब डिफ़िकल्ट टू फॉलो बन गया था ये। तो पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्या, दैट इज़ नॉन लाइंग, अच्छी बात है, अस्तेया नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रहा नॉन पोसेशन, ब्रह्मचर्य जो आखिरी है ये इसको ऐड किया था महावीरा ने, बाकी तो 4 पासनाथ ने ही दे दिए थे,
आखिरी वाला जो है वो महावीर ने ऐड किया था, चेस्टिटी वाला. सो द फर्स्ट फोर वोज वे लेड डाउन बाई पासनाथ, जैसा मैंने बताया, एंड फिफ्थ वॉज एडेड बाई महावीरा. ओके, नाउ विल सी द टाइप्स ऑफ नॉलेज. टाइप्स ऑफ नॉलेज देख लेते हैं. सो देर आर मेनली फाइव टाइप्स ऑफ नॉलेज. पहला है मति ज्ञाना. मति मतलब होती है बुद्धि, सेंसेस, ठीक है. तो मति ज्ञाना का मतलब क्या होगा? परसेप्शन थ्रू एक्टिविटी ऑफ सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, जैसे कि माइंड. श्रुत ज्ञाना क्या है? श्रुत ज्ञाना है नॉलेज रिवील्ड बाई स्क्रिप्चर्स. जो लिखित चीज़ें हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, तो उस वैसे ज्ञान को श्रुत ज्ञान बोला गया है. अवधि ज्ञान दैट इज चैरवोयंत परसेप्शन, क्लेरोयंत परसेप्शन, अवधि ज्ञान, तो समय के हिसाब से जो ज्ञान प्राप्त होता है. नेक्स्ट है मनाह प्रयाया ज्ञान, दैट इज टेलीपैथिक नॉलेज. और आखिरी है केवल ज्ञान, दैट इज टेम्पोरल नॉलेज और ओमनीसियंस. एक स्यादवाद की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ स्यादवाद जो है, जिसे थ्योरी ऑफ मे बी और परहैप्स कहते हैं. ये थ्योरी क्या है, मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, कि आप कुछ भी ना परफेक्ट नहीं कह सकते कि मेरे यही होगा. मतलब आप कह दोगे कि ये इसीलिए ऐसा है या ये उसी लिए ऐसा है, कुछ नहीं है ऐसा, ये हुआ तो इसलिए हुआ, ऐसा भी नहीं है, ठीक है. स्यादवाद का मतलब होता है कि कुछ भी जो होगा ना वो मे बी या परहैप्स होगा, कुछ भी आप 100% सियोरिटी के साथ नहीं कह सकते, दैट इज स्यादवाद. सो ऑल आवर जजमेंट्स आर नेसेसरली रिलेटिव कंडीशनल एंड लिमिटेड. अकॉर्डिंग टू स्यादवाद, सेवन मोड्स ऑफ प्रिडिक्शंस, दैट इज सप्त भंगी न्यायवाद आर पॉसिबल. सात मोड्स ऑफ प्रिडिक्शन पॉसिबल है. एब्सोल्यूट एफॉर्मेशन या फिर एब्सोल्यूट निगेशन, कि आप कह दो कि हाँ यही होगा, हाँ ये नहीं होगा, ये दोनों गलत हैं. ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल, ठीक है, मे बी हो सकता है, मे बी नहीं भी हो सकता है. तो स्यादवाद इज ऑल्सो नोन एज अनेकांतवाद. अनेकांतवाद का मतलब है थ्योरी ऑफ प्लुरालिटी, कि ये भी हो सकता है, मल्टी साइडनेस देखी जाती है उसमें, वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी 100% नहीं होता है, ठीक है. सो द प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म एज प्रीच्ड बाय महावीरा क्या क्या है भैया? ही रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास. ऑब्वियसली इसी के अगेंस्ट में तो आया था, क्योंकि ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणों का पोजीशन ब्राह्मणिज्म ऐसा हो गया था कि आम जो लोग थे ब्राह्मण्स के अलावा, उनको बहुत प्रॉब्लम आती थी. तो कहीं ना कहीं ये लोग अथॉरिटी ऑफ वेदा को नहीं मान, रिजेक्ट करने लग गए, एंड वैदिक रिचुअल्स को भी नहीं मानते थे. ही डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. गॉड को भी नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा ये सब गॉड को मानते ही नहीं थे. ही बिलीव्ड, हालांकि बुद्धिज्म में क्या था, बुद्धा जो थे कुछ नहीं बोलते थे, ना बोलते थे कि गॉड होता है, ना बोलते थे नहीं होता है, कुछ भी, साइलेंट थे इस मुद्दे पे. लेकिन इनमें तो क्लियर था जैनिज्म में कि हम भैया हम नहीं मानते, गॉड होता ही नहीं है. ही बिलीव्ड इन कर्मा, कर्म करो, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, एंड ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल. ही लेड ग्रेट इन्फेसिस ऑन इक्वालिटी, बोले सभी को इक्वल ट्रीट करो, जो कि ब्राह्मणिज्म के हिसाब से नहीं चल रहा था. फिर आता है जैन के दो काउंसिल्स हुए जैनों के. तो एक हुआ, फर्स्ट जो काउंसिल हुआ ये 300 BC में हुआ. कहाँ पे हुआ? पाटलिपुत्रा में हुआ. और इसके चेयरमैन थे स्थूलभद्रा, ठीक है, स्थूलभद्रा इसके चेयरमैन थे. और इसके पैटर्न था चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि खुद जैन को इम्प्रेस कर रखा था, और बाद में श्रवण बेलगोला भी चला गया था रिटायरमेंट लेके, और वहीं पे अपना खाना पीना छोड़ के प्राण त्याग कर दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य. सो मौर्य वंश का संस्थापक था ये बंदा. सो रिजल्ट क्या रहा इसका? कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगा, जो जैन के टेक्स्ट है ना उसको 12 अंगों में कंपाइल कर दिया गया. दूसरे काउंसिल में क्या हुआ? सबसे पहले तो यहाँ पे कौन से साल में हुआ? तो 512 AD में हुआ. कहाँ पे हुआ? बल्लभी में हुआ. बल्लभी पड़ता है कहाँ पे? गुजरात में. ओके, इसके चेयरमैन थे कौन? देवर्धि क्षमसरमना, ठीक है, देवर्धि क्षमसरमना. तो इसका रिजल्ट जो था, फाइनल कंपाइलेशन हुआ 12 अंगा का, और 12 उपअंगा भी बनाए, ठीक है, 12 अंगों का
ठीक है दोस्तों, तो 12 अंगा और 12 उपांगा यहाँ पे कंपाइल हो गए। कहते हैं जैन लिटरेचर, जैन लिटरेचर की बात करें तो द सेक्रेट लिटरेचर ऑफ द श्वेतांबरा, इसमें भी दो भाग थे, दो सेक्ट थे, एक था श्वेतांबर जो कि श्वेत कपड़े पहनता था और एक था दिगंबर, दोनों के मतलब अंतर था, दोनों में माइनर डिस्प्यूट, माइनर के मेजर डिस्प्यूट था इसलिए अलग अलग हो गए थे। तो श्वेतांबर जो था श्वेत कपड़े पहनता था और दिगंबर तो बिल्कुल नग्न रहते हैं अभी भी, ठीक है। द सेक्रेट लिटरेचर ऑफ श्वेतांबरा इज रिटेन इन टाइप ऑफ प्रकृत एंड कॉल्ड अर्ध मगधी प्रकृत, ठीक है, एंड मे बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। सबसे पहले इसमें आता है 12 अंगा, फिर 12 उपंगा, फिर आता है 10 परिकर्णास, छठे नंबर चौथे नंबर पे छः छेद सूत्रास, पांचवे पे है 4 मूला सूत्रा और छठे पे है 2 सूत्र ग्रंथास। तो ये इसके कुछ अर्धमगधी प्रकृत में लिखे गए जैन लिटरेचर है श्वेतांबरों के लिए। नोट में देखिए जो 14 पूर्वाज हैं या फिर परवाज जिसे कहते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ 12 अंगास एंड द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ महावीर प्रीचिंग्स, उनकी टीचिंग प्रीचिंग की सबसे ओल्डेस्ट जो है वो 14 पूर्वाज है। सो बिसाइड दिस द इम्पॉर्टेंट जैन टेक्स्ट आर कल्प सूत्र, जो कि संस्कृत में लिखा गया है किसके द्वारा, भद्रबाहु के द्वारा, स्टार मार्क याद कर लो, भद्रबाहु ने लिखा है कल्प सूत्र को। फिर आता है भद्रबाहु चरित्र, फिर आता है नेक्स्ट परिशिष्ट पर्वन एंड अपेंडिक्स ऑफ त्रिसंति सलका पुरुष हेमचंद्रा, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट। फिर आता है सेक्ट्स। अब जैसा मैं बोला था कि श्वेतांबर और दिगंबर में बट गए थे तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो हुआ क्या था, एक सीरियस फेमिन आया था, ठीक है, अकाल पड़ गया था 298 BC में मगध में, साउथ बिहार में। इसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे जो जैन मॉन्क्स थे वो साउथ इंडिया चले गए, डेक्कन साउथ इंडिया चले गए, श्रवण बेलगोला में, इंक्लूडिंग चंद्रगुप्त मौर्य भी गया था, भद्रबाहु ने नेतृत्व किया था और बहुत सारे लोग चले गए साउथ इंडिया में। सो दे रिटर्न्ड आफ्टर 12 years, 12 साल वहाँ रहे फिर वापस आए। द लीडर ऑफ द ग्रुप विच स्टेड बैक एट मगधा, बाकी तो बहुत सारे गए और जो नहीं गए उनका लीडर बन गया स्थूलभद्र, भद्रबाहु चले गए जो जा रहे थे उनके साथ, ठीक है, साउथ इंडिया में, लेकिन इधर जो रह गए मगध में उनके लीडर बन गए स्थूलभद्र। तो अब हुआ कि अब दोनों के बीच में हो गया विवाद। 12 साल बाद जब आए, व्हेन द जैन्स भद्रबाहु एंड अदर्स जो कि साउथ इंडिया गए थे, व्हेन दे रिटर्न्ड दे हेल्ड दैट कंप्लीट न्यूडिटी बी एन एसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग ऑफ महावीरा, वाइल द मॉन्क्स इन मगधा बिगेन टू पुट ऑन वाइट क्लॉथ्स। जो उधर गए थे उन्होंने क्या किया कि वो कंप्लीट न्यूडिटी में रहने लगे, कपड़े पहनो ही नहीं। फिर आके इधर भी बोला उन्होंने कि भैया आप भी नहीं पहनना है आपको भी, दिस इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द टीचिंग ऑफ महावीरा, वाइल द मॉन्क्स इन मगधा बिगेन टू पुट ऑन वाइट क्लॉथ्स, इसीलिए श्वेतांबर कहलाए। तो जो साउथ इंडिया गए थे वो वाइट क्लॉथ पहनने वाले नहीं थे, देवर दिगंबरा, क्योंकि वो नग्न रहते थे। जो यहाँ पे रह गए थे वो क्या है, वो बोलते थे नहीं वाइट क्लॉथ पहनेंगे। सो दस एरोज टू सेक्ट, दोनों में विवाद हो गया और श्वेतांबर कहलाए जो वाइट क्लैड, जो कि वाइट कपड़े पहनते थे, दिगंबर कहलाए स्काई क्लैड, मतलब कि कुछ नहीं पहनेंगे, ठीक है। तो श्वेतांबर दोज हु पुट ऑन वाइट रोब्स, दिगंबरस दोज हु वेयर स्टार्क नेक्ड, बिल्कुल कुछ भी नहीं है शरीर पे, बिल्कुल नग्न। तो इनके जो लीडर थे श्वेतांबरों के वो थे स्थूलभद्र, जो बिहार के मगध में रह गए थे, और जो दिगंबर के थे जो गए थे साउथ इंडिया में उनके थे भद्रबाहु। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ जैन आर्किटेक्चर। इस समय में जैन स्थापत्य कला आर्किटेक्चर का भी काफ़ी विकास हुआ। सो जैसे गुम्फाज बने, गुम्फाज जिसे हम केव्स कहते हैं, एक हाथी गुम्फा खारवेला किंग था उड़ीसा का, फिर इसके अलावा बाघा गुम्फा, उदयगिरी और खांदगिरी, ये दोनों उड़ीसा में पड़ता है, खारवेला का ये सब गुम्फा केव्स बनाया था इन्होंने। फिर दिलवारा टेम्पल्स राजस्थान के माउंट आबू पे लोकेटेड है, कभी जाना, बहुत प्यारा टेम्पल है। एग्जाम्पल के तौर पे बिमला वसी टेम्पल, तेज पाला टेम्पल, ये सब माउंट आबू में है राजस्थान में, बहुत इम्पोर्टेंट है ये जैनों के लिए।
टेम्पल्स की बात करें तो जैसे गिरनार टेम्पल है, पालीतना है गुजरात में, इसके अलावा टेम्पल्स की एग्जाम्पल पे पावापुरी टेम्पल बिहार वाला, राजगिरी टेम्पल बिहार वाला, स्टैच्यूट गोमतेश्वर बाहुबली का, ये ना नग्न एक गोमतेश्वर बहुत बाहुबली का मूर्ति है, श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में पड़ता है, यही पे वो लोग गए थे श्रवण बेलगोला जब अकाल आया था, श्वेतांबराज दिगंबराज सॉरी, जो कपड़े नहीं पहनने का निर्णय लिया था। अब देखिए ये हो गई बातें हमने डिस्कस कर ली, अब देखते हैं रॉयल पैट्रनेज कहाँ से मिला, नॉर्थ इंडिया में कौन से राजाओं ने जैनों को पैट्रनेज दिया। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नाम जो आता है वो आता है चंद्रगुप्त मौर्य का, बट इसके अलावा नंदों का है, बिंबिसार ने भी दिया था, बिंबिसार ने दोनों को दिया था, जैन को भी दिया था और संरक्षण पैट्रनेज जिसे कहते हैं, और बुद्ध को भी दिया था, गौतम बुद्धा के बुद्धिज़्म को। अजातशत्रु इनका लड़का था बिंबिसार का, इसने भी दोनों को दिया था। उदयन जो था अजातशत्रु का लड़का था, इसने भी जैन को पैट्रनेज दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य तो इम्ब्रेस भी किया था, श्रवण बेलगोला भी चला गया था 298 BC में। इसके अलावा जो है बिंदुसार, अगेन मौर्य वंश का, फिर आता है संप्रति मौर्यन किंग था मगध का। तो ये सब है, अशोक नहीं है, अशोक जो था वो बौद्ध धर्म को इम्ब्रेस किया हुआ था। प्रद्योत्य जो कि अवंती का शासक था, इसने भी इम्ब्रेस किया हुआ था, संरक्षण दे रखा था, इम्ब्रेसमेंट की बात नहीं करेंगे। फिर आता उदयन सिंधु सौवीरा, इसने भी दिया था, खारवेला जो कि कलिंग का था, ये तो जैन था ही। साउथ इंडिया में जो पैटर्नेज मिला वो गंग डायनेस्टी का मिला, कदम्ब डायनेस्टी का मिला। अमोघ वर्ष जो कि राष्ट्रकूटों का किंग था, इसने भी पैटर्नेज दे रखा था। सिद्धार्थ जय सिंह और कुमारपाला, ये सब चालुक्य और सोलंकी डायनेस्टी के थे, द लास्ट ग्रेट पैटर्नर्स ऑफ जैनिज्म, ठीक है। तो यहाँ से इनको पैटर्नेज मिला, पैटर्नेज मतलब संरक्षण की मानते थे ये लोग, तो यहाँ पे जैनिज्म भी ख़त्म हो गया। अगला टॉपिक जो हमारा होगा छठा, ये होगा हमारा मौर्यन पीरियड, जिसको हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय। इससे पहले कि आप लॉग आउट देखना बंद करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बाय।